मैं हूं आशिकीन कुरैशी, आप देख रहे हैं जीपीएन 7 न्यूज। बात अब आईजी विजय सिंह मीना की। बरेली जोन के आईजी विजय सिंह मीना ने त्योहारों के मद्देनजर पुलिस अधिकारियों की बैठक ली और उन्होंने त्योहारों पर पुलिस द्वारा की जा रही सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। वहीं आईजी विजय सिंह मीना ने अपने अधीनस्थों को अपराधों पर अंकुश लगाने के निर्देश भी दिए। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को चिन्हित कर उनको जेल भेजने के आदेश भी पुलिस अधिकारियों को दिए। वहीं आईजी विजय सिंह मीना से शहर की समस्याओं को लेकर चेयरमैन अमरोहा डॉक्टर अफसर परवेज सहित शहर के गणमान्य लोग मिले और शहर की ध्वस्त हुई यातायात व्यवस्था से आईजी को अवगत कराया। आईजी विजय सिंह मीना ने अपने अधीनस्थों को जल्द ही यातायात व्यवस्था दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। आज जो थाना अध्यक्ष योज और अधिकारियों की जो बैठक की गई, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो आने वाले त्यौहार हैं उनकी क्या तैयारी की गई है उसकी समीक्षा की जाए, उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो उसका निराकरण किया जाए। साथ ही साथ मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है कि जितने भी जो मुहर्रम को लेकर रूप को लेकर उसको अगर कोई विवाद है तो उसको बैठक करके, पीस कमेटी की बैठक करके, मौजूद लोगों की बैठक करके उन विवादों को पहले ही निस्तारित कर लिया जाए, रूट्स को देख लिया जाए, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, और कोई ऐसे गांव में कोई ज्वलंत मुद्दे हैं जिसको लेकर त्यौहार पे कोई परेशानी उत्पन्न हो सकती है, उस चीज़ को पहले से देख के ग्राउंड वर्क और होमवर्क कर लिया जाए जिससे कि त्यौहार के समय पे किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न ना हो। तो आगे लूट की घटनाओं की जो बढ़ोतरी बता रहे हैं, आज इसकी समीक्षा की गई और इसमें जो प्रतिशत वर्कआउट हुआ है उसको देखा जा रहा है। अगर इसमें समय दिया गया, अगर समय निर्धारित समय के अंदर अगर वर्कआउट नहीं हुए फिर जो संबंधित अधिकारी हों उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। त्यौहार के लिए मेन चीज़ ये है कि जो पुराने विवाद गांव में हैं या कोई मनमुटाव या पूर्व की जो घटना है उसके अंदर जितने भी लोग उसके अंदर नामजद हुए हैं या जिनका नाम आया है उनके खिलाफ अभी से कार्रवाई की जा रही है। 107-16 की कार्रवाई, उनको पाबंद कराया जा रहा है, उनको नोटिस इशू किए जा रहे हैं और आज इसी चीज़ की समीक्षा की गई कि जितने भी इस तरीके के अवांछित एलिमेंट्स हैं जो कि माहौल ख़राब कर सकते हैं उनके खिलाफ़ पहले से ही कार्रवाई की जाए, उनको चिन्हित कर लिया जाए और अगर कुछ छोटे मोटे विवाद हैं उसकी गांव के अंदर सीनियर ऑफिसर्स बैठक करके वार्ता करके उनका निराकरण पहले ही।